हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अंजिता श्रीवास्तव। तो आज है थर्सडे और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ तो जैसा कि आप सबको पता है, ये टाइम मेरा घर का काम करने वाला टाइम होता है, मैंने पहले भी बताया है। और सुबह का खाना और ब्रेकफास्ट तो मैंने सुबह सुबह बन जाता है, इनको ऑफिस जाना होता है तो वो सब काम तो हो गया है एंड मेरा नाश्ता भी फिनिश हो गया है। तो अभी मैं बाकी घर के बचे हुए काम निपटाने जा रही थी तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए मेरा घर कितना फैला हुआ है। तो एक्चुअली कुछ ग्रोसरी आइटम है मैं कल लेके आई थी, जो जो ख़त्म था तो वो सब मैं अभी रखने जा रही हूँ। तो यहीं टेबल पे ही रख दिया था तो वो सब फैला हुआ है। तो चलिए मैं सारे काम पहले समेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। खजूर लाई हूँ तो मुझे ना ऑफर था तो एक पैक फ्री मिल गया है, दो मिल गए हैं मेरे पास। तो मैं कुछ बनाऊंगी इसका। तो ऐसे तो रोज खाना चाहिए खजूर, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और इसके साथ ही क्योंकि दो पैकेट हो गया तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका लड्डू बनाऊँगी। तो जब भी मैं इसका लड्डू बनाऊंगी तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। इसका लड्डू हेल्दी भी होता है और अभी सर्दियां चल रही हैं तो अच्छा भी है। तो इसमें और भी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं इसका लड्डू बनाऊंगी, आप लोगों के साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए फिर ये सब मैं रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्लैक्स सीड भी लाई हूँ। तो फ्लैक्स सीड आप लोग जानते होंगे आई एम श्योर, इसको अलसी बोलते हैं, अलसी। तो इसका मैं क्या करती हूँ ना, इसका मैं ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो इसका यूज़ मैं खाने में करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो वैसे मैं मतलब ठंड में इसका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है, तो मैं हमेशा इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ ठंड में। एंड गर्मियों में मतलब थोड़ा यूज़ करती हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा ये गर्म होता है ना। तो जैसे अभी सर्दियों में अगर एक चम्मच यूज़ करती हूँ तो मैं फिर गर्मियों में आधा चम्मच यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ओमेगा, आप इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हमें इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप लोग ये नहीं खाते हैं फ्लैक्स सीड तो प्लीज़ खाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा नहीं खाना है हमें। और मैं इसका बहुत ही इजी वे में आपको यूज़ करना बता दूंगी क्योंकि इसकी पाउडर बनने के बाद अब इसे मैं क्या करती हूँ, आटे में डाल के एक चम्मच आटे में डाल के गूंथ लेती हूँ और फिर रोटियाँ बना देती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि फ्लैक्स सीड हम खा भी लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसके साथ ही जैसे आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें एक चम्मच फ्लैक्स सीड ऐसे करके डाल दीजिए तो भी आप खा लेंगे, आपके घर वाले भी खा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छा होता है, फ्लैक्स सीड को ज़रूर खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। बट ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं होता है फ्लैक्स सीड, तो वो लोग ना खाएं, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फिर अभी मैं इसका पाउडर बनाने जा रही थी, मैंने इसको साफ कर लिया है, अभी मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। तो चलिए देखिए मैं कैसे इसको रोस्ट करके पाउडर बनाती हूँ। फ्लैक्स सीड को ड्राई रोस्ट करने जा रही थी और इसके साथ ही ना मैं क्या करती हूँ कि कुछ कुछ मसाले मैं महीने में एक बार मतलब पीस के रख लेती हूँ जो कि मेरा पूरा महीना काम देता है। जैसे कि एक तो ये फ्लैक्स सीड हो गया, दूसरा मैं क्या करती हूँ वो जो अचार का मसाला होता है जिसकी कलौंजी भी बनती है तो मैं वो भी पीस के रख लेती हूँ सारे मसाले। और जब भी मुझे कलौंजी बनाना होता है तो बहुत ईजी रहता है क्योंकि मसाले पीसे होते हैं तो फटाफट से बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार पूरे महीने के भी पीस के रख लेती हूँ तो मुझे बहुत आसानी रहती है खाना बनाने में।
और मैं हूँ फ्लैक्सीड, ये लिया है फ्लैक्सीड। अब बस ये कढ़ाई चढ़ा दी है, हमें कुछ भी नहीं डालना है इसमें, मतलब कि ड्राई रोस्ट करना है, कोई तेल कोई घी कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने इसमें फ्लैक्सीड डाल दिया है और बस इसको चला चला के भून लेना है। आई थिंक आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी बैक करने से दिखाती हूँ। बस फ्लैक्स सीड को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये चटकने ना लगे। तो देखिए आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी चटकने की, तो जब ये रोस्ट हो जाएगा ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और सारी जो ये अलसी के बीज हैं ये फूल के बिल्कुल डबल हो जाते हैं। तो देखिए अभी ये चटकनी शुरू हो गई है, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बस हमें ऐसे ही इसको रोस्ट कर लेना है। तो देखिए कितनी तेज से चटकने की आवाज आ रही है। तो बस अभी बस ये थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा भून करके, जैसे ही सारे फ्लैक्स सीड चटक जाएंगे। और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है जब ये भून जाता है। तो देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए अभी ये भूनकर तैयार हो गया है और ये देखिए कितने अच्छे से ये भून गया है और आपको दिख रहा होगा एक दो इसमें से फूट भी गया है चटक के। बहुत ही अच्छे से भुन गया है अब ये और फूल के बिल्कुल डबल हो गए हैं। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में और इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। बस इसको पीस लेना है मिक्सी में ठंडा करके। तो अब मैं अचार का मसाला बनाने जा रही हूँ। ये अचार का मसाला भरवा बैंगन, भरवा भिंडी और भरवा करेला वगैरह बनाने के काम में भी आता है, मतलब कलौंजी बनाने के काम में आता है। तो अभी मैंने धनिया लिया है और धनिया को हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। तो धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, बाकी मसालों की अपेक्षा धनिया थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो बस इसे हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लगे। तो अभी ये रोस्ट हो गया है, लगभग 5 मिनट लगा है इसे रोस्ट करने में। तो ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे मेथी रोस्ट करेंगे। तो मेथी मैंने 2 बड़े चम्मच के लगभग लिया है। मेथी सभी मसालों से कम पड़ता है क्योंकि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए हम सिर्फ 2 चम्मच लेंगे। तो 2 मिनट में हमारी मेथी भी भुन गई है, उसका भी कलर अच्छे से चेंज हो गया है। देन हम जीरा डालेंगे। जीरा आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि ज़ीरा वैसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 4 चम्मच लिया है। इसे भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे, जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसे भी हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो मसालों को एक साथ भी भून सकते हैं, बट मैं अलग अलग भून रही हूँ क्योंकि कुछ मसाले ऐसे हैं ना जो जल्दी भून जाते हैं और कुछ मसाले ऐसे हैं जो लेट से भूनते हैं, इसलिए मैं अलग अलग रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने राई लिया है, ये भी 2 चम्मच लिया है, उसे मैं हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ राई को भी। तो बस राई जैसे ही हल्का सा रोस्ट हो जाएगा इसे भी मैं निकाल लूँगी। और मैं सभी मसाले एक ही प्लेट में निकाल रही हूँ क्योंकि हमें इसे एक ही साथ पीसना है। एंड यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सौंफ ले लिया है, तो उसे भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे कलर चेंज होने तक। बस हमें 2 से 2.5 मिनट तक इसे भी भूनना है। इतनी देर में ये अच्छे से भुन जाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है जब ये मसाले भुनते हैं, तो पूरा घर एकदम महकने लगता है। तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो ये जो जो मसाले मैंने पीसे हैं, जो मसाले मैंने रोस्ट किए हैं, वो सब मैं एक ही प्लेट में निकाल के रख लूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इनका एक पाउडर बना लूँगी। तो ये हमारा जो अचार का मसाला था, ये देखिए सारे मसाले भुनकर रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक और मसाला भूनने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच के लगभग यहाँ पे धनिया ले लिया है और ये मैं 15 से 20 काली मिर्च ले रही हूँ और ये मैं बना रही हूँ रायता मसाला। इसे आप रायता में, दही बड़ा में,
सब में यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें मैंने एक चम्मच ज़ीरा डाला है, वो भी मैं इसमें रोस्ट कर लूँगी। और मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। एंड इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर इसे निकाल कर ठंडा करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो इसे हम रायता में, दही बड़े में, सब में यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने सारे मसाले पीस लिए हैं, तो ये है हमारा अचार का मसाला। मैंने हल्का सा दरदरा पीसा है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। और ये रहा हमारा जो रायता वाला मसाला बनाया था, इसे हम सब्ज़ी में भी डाल के बना सकते हैं सब्ज़ी। एंड ये रहा फ्लैक्स सीड पाउडर। तो ये तीनों मैंने अच्छे से पीस कर रख लिया, अब मैं इन्हें डब्बे में भर कर रख दूँगी। एंड ये पूरा महीना आराम से चलता है, और जब भी आपका इन मसालों से बनी हुई कोई चीज़ खाने का मन करे, आप फटाफट से बना सकते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ, ये भी मैं बनाकर स्टोर करके रख देती हूँ, 20-25 दिन आराम से चलता है फ्रिज में। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम इमली ली है, और इमली को पानी में भिगा दिया था 3-4 घंटे तक। फिर इसे हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ कर इसका बीज हमें और इसका जो गूदा है वो निकाल लेना है, मतलब इसके जो छिलके टाइप का गूदा है वो निकालना है। तो देखिए इस तरह से हाथ से हमें मसलना है। देन हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो इस तरह से इसका हमने पानी, हम चटनी को बनाएंगे तो उसके लिए हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला है 1 चम्मच के लगभग, और तेल को हम गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच पंचफोड़न, और फिर हम इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे, जब तक ये हल्का सा चटक जाएगा। तो अभी ये चटकने लगा है, तो तुरंत मैं इसमें, जैसे ही तड़का चटकने लगा, मैंने इसमें जो हमने इमली का पानी निकाल के रखा था वो ऐड कर दिया है। और इमली का जो पानी था उसमें मैंने और भी पानी ऐड किया था। तो उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एंड 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। और फिर अच्छे से मिला देंगे हम तीनों चीज़ों को। एंड फिर मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, तो ये वाली चटनी में ना गुड़ ही पड़ता है और बहुत टेस्टी लगती है वाली चटनी। तो मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया, एंड थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है क्योंकि ये खट्टा मीठा तीखा हर तरह का टेस्ट होता है इसमें, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो गुड़ ऐड करके मैंने इसे ढक दिया था, जैसे इसमें उबाल आने लगा तो मैं इसको एक बार फिर से चला दूँगी। एंड ये वाली चटनी में ना आप मीठा टेस्ट करके फिर और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इमली थोड़ी सी खट्टी होती है ना, तो इसमें मीठा ज़्यादा लगता है। तो मैंने इसमें टेस्ट करके फिर 2 पीस गुड़ के और डाले थे, मुझे कम लगा था तो वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो देखिए गुड़ अच्छे से गल गया है, एंड इसमें चटनी में उबाल आ गया है। तो बस इस तरह हमें चटनी को पकाना है, एंड जैसे जैसे चटनी हमारी पकती जाएगी वैसे वैसे ये थिक हो जाएगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा अदरक घिस करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो आप इसमें सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मुझे अदरक अच्छा लगता है तो मैं अदरक ऐड कर रही हूँ घिस के। तो यहाँ पे मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है, फिर मैं इसमें अच्छे से मिला दूँगी। तो देखिए जैसे जैसे चटनी पक रही है वैसे वैसे ये थिक होती चली जा रही है, गाढ़ी हो रही है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो ऐसे ही गाढ़ी हो जाती है। तो अभी हमारी चटनी लगभग पक गई है, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें लिया है काजू और बादाम और किशमिश, तो ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए हमारी चटनी बिल्कुल पक कर तैयार है, और देखने में ही लग रही है कि बिल्कुल पक गई है। ऐसी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, एकदम हलवाई जैसी बनी थी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी। चलिए आज का ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं, और आज मैंने जो जो आप लोगों को बताया है मसाले वगैरह वो ट्राई करके देखिएगा। इजी होता है कुकिंग करने में, क्योंकि अगर आप एक दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपके पास टाइम हो, ये सारा चीज़ें करके रख दें, तो फिर आपको पूरे महीने बहुत आसान रहता है खाना बनाने में, कि बस निकाला, मसाले भुने हुए हैं, तो जो भी बनाने का मन हो फटाफट से बना लो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक बार बना के रख देती हूँ और मेरा पूरा आराम से 20-25 दिन चल जाता है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा,
और मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड कल है रोज़ डे, तो आप सभी को हैप्पी रोज़ डे। और मुझे मेरा रोज़ पहले ही मिल चुका है, ये लेके आए थे ऑफिस से आते वक्त आज, क्योंकि 12 बजे से रोज़ डे लग जाएगा ना इसके लिए। तो फिर चलिए इन करती हूँ मैं आप लोग आज का ब्लॉग, मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।